हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत प्रॉफिटेबल है, और आप इस बिजनेस को करके आप डेली का 1,000 से लेकर 15 तक आप डेली का कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाए ताकि हमारी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं वो है रुई का बत्ती, कॉटन विक यानी रुई का जो बत्ती है उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको रुई के बत्ती बनाने हैं और रुई बत्ती बनाकर आपको सेल करना है। ये जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि जो रुई आते हैं उस रुई को कॉटन जो रहता है उस कॉटन को आप परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद आप बत्ती बनाएंगे और बत्ती बनाकर उसको मार्केट में सेल कर देंगे। आपको मार्केट में सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले रिटेलर नहीं ढूंढने होंगे बल्कि आपको पहले होलसेल वाले को ढूंढना पड़ेगा, होलसेल वाले हैं कंटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। पहले पहले आपको एक और बात बता दें, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपको इस बात का डर हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो ब्लॉक ना हो जाए, आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने के बाद आप जो इन्वेस्ट लगाए हैं वो इन्वेस्ट करने के बाद आपका ये बिजनेस बंद ना हो जाए, अगर इसका डर है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मार्केट के होलसेल दुकान से आपको ये कॉटन विक जो होता है इसको लेना है, परचेज करना है और बहुत कम मार्जिन में, थोड़ा सा मार्जिन, कम मार्जिन लेकर और उनको रिटेल दुकान में बेच देंगे, रिटेलर को दे देंगे और करके आप हर रिटेलर को आप उस प्रोडक्ट को दे देंगे जो रुई का बत्ती है उसको दे देंगे, और उन दुकानदारों का आपको नंबर ले लेना होगा या आप उनसे जैसे कांटेक्ट करें या अगले बीट में आप उनसे आकर मिल लें, लेकिन आपको उनके कांटेक्ट रखना पड़ेगा ताकि आपका जो डिमांड है वो बढ़ता जाए। और आपको बता दें कि आपको इस बत्ती को हर रिटेल को पकड़ाना होगा, देना होगा, और जैसे आपको देना है उसमें उनका भी मार्जिन का ध्यान देना होगा ताकि वो आपके अच्छे मार्जिन पाकर वो फिर से आपको ऑर्डर दे इस माल के लिए। तो आपको सबसे पहले एक छोटे होलसेल के लेकर और आपको ये स्केल करना होगा, और जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के बाद आपको आपको क्या करना होगा कि आराम से आप 25,000-30,000 रुपया इन्वेस्ट कर दें और उस रुई के पत्ती बनाने वाले जो मशीन है कॉटन विक मशीन उसको परचेज करना है और उसके काम स्टार्ट करना है। आपको बता दें कि ये जो मशीनें हैं वो ज़्यादा बिजली का खर्च नहीं देती, इनके लिए दूसरा कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, आपका घर का जो बिजली का बोर्ड होता है उसकी बोर्ड से काम चल जाएगा, जैसा कि आप मेरे पीछे बगल में ये देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बोर्ड है, एक बोर्ड में आप उनको लगाकर अपना काम कर सकते हैं। आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि यही वाला प्लग जो 3 पिन का जो सॉकेट है वो लगेगा, बल्कि उसमें कोई भी सॉकेट होगा और आप उसमें प्लग ही लगाना होगा उस मशीन का, और लगाकर आप अपना काम करेंगे, आपका मशीन 100% काम करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बिजनेस है इसमें बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपका जो कॉटन होता है थोड़ा कम का होता है और उस कॉटन से आप रुई बत्ती जो बनाते हैं उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। आपको बता दें कि ये जो होता है ये परचेज मार्केट में होलसेल में अगर लेने जाएंगे तो वहाँ पे किलो के भाव मिलते हैं, यहाँ पे नहीं, जहाँ के बनता है वहाँ के किलो के भाव मिलता है, वहाँ के किलो मिलते हैं, लेकिन अगर वहाँ के आने के बाद ये जो छोटे दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, वो इसको डिवाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं, वजन करके और पैकेट में फिल कर देते हैं और उस रुई के बत्ती को वो पैकेट का रेट लगाते हैं और पैकेट में बेचते हैं। इस तरह के वो लोग बहुत ही प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत ही प्रॉफिट अर्न करते हैं एक बिजनेस के।
तो आपको अगर ये बिजनेस करना होगा तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 25 के 30 हज़ार आपको इन्वेस्ट करना है। और कटन को क्या करना है, कटन का इसमें रोल भी आता है और जैसे वायर होता है उस तरह के भी होता है। और उनके क्या करना होगा, अपने मशीन से कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो जो मशीन है ऑटोमेटिक आपका रुई बत्ती तैयार करते जाएगा। और आपको क्या करना होगा, सिर्फ उस रुई के बत्ती को उठाना है और पैक कर देना है। और पैक करके आपको मार्केट में सेल कहाँ करना है, आपको पहले बता दें कि पहले आप कहाँ कांटेक्ट किए थे रिटेलर के, रिटेलर को दिए थे, लेकिन अब क्या करना है आपको रिटेलर को ना देकर आपको होलसेल पकड़ना है। और होलसेल वाले के बात करके आप होलसेल वालों को दे देंगे, आपका ये जो बिजनेस है वो बिल्कुल ही 100% दौड़ जाएगा और आप इस बिजनेस के अच्छे खासे अर्न करेंगे। दोस्तों ये जो मशीन होता है वो फुली ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें सिर्फ पतले और लॉन्ग वाले जो बत्ती होती है वो बनता है, और कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसमें आपको दोनों ही मिल जाएंगे, लॉन्ग मिल जाएंगे और एक जो बिंदी की तरह आता है, बिंदी की तरह बनाता है वो भी बन जाएगा। ये दोनों जो है